मैं अपनी बात रेखा शर्मा जी की एक महत्वपूर्ण बात से करता हूँ, जिसमें उन्होंने करेक्ट पेरेंटिंग की बात की है। मतलब मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, बच्चे को जन्म के समय से ही एक बेहतर शुरुआत देना, और इस संदर्भ में सभी फैमिलीज को करेक्ट पेरेंटिंग के की बातों को सीखने समझने के अवसर देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस दिशा में अब हम लोगों को आगे सोचना और समझना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कमियां हैं वो काफी बखूबी आ गई हैं, और कुछ अच्छी बातें भी हैं जो इसमें वो भी आ गई हैं। मैं आपका ध्यान कुछ एक बुनियादी बातों पे लाना चाहता हूँ, जिसमें कि सर्वप्रथम शिक्षा क्या है। तो शिक्षा बच्चे और शिक्षक के बीच में चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें कि शिक्षक जो है बच्चे को ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में मदद करता है। और इस शिक्षा नीति में इस बात को कई तरह से कई बार कहा गया है, जैसे कि बच्चे की क्षमताओं को पहचानना, उसको अनुभव से सीखने के मौका देना, उसकी तार्किक क्षमता, उसकी विश्लेषण की क्षमता को बढ़ावा देना आदि। तो हम लोग याद करें तो वर्ष 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अपने देश में आया था, और इससे पूरे देश में एक समझ बनी थी कि बच्चे को ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया से किस प्रकार जोड़ना चाहिए, और काफी उत्साह का संचार हुआ था कि अब तो हमारी कक्षाओं में जो पढ़ाने का तरीका है जो रटन विद्या पर आधारित थी, जिसमें कि बच्चे को मुख्य रूप से सुनना होता था, उसमें बदलाव आएगा। इस दिशा में एनसीईआरटी के माध्यम से पाठ्यपुस्तक भी बदले गए थे, परंतु हम अभी देखें अगर तो 2005 से लेकर अब तक में हमने अपने कक्षाओं के माहौल को हमने कितना बदला है, तो शायद कुछ भी नहीं। उसी तरह से हम लोग शिक्षा अधिकार कानून में सतत और समग्र आकलन की बात आई थी, उसमें यह था कि शिक्षक लगातार बच्चे को संपूर्णता में और आकलन करता हुआ बच्चे को उसकी जरूरत के मुताबिक सीखने के अवसर देगा। इन दोनों बातों को इस शिक्षा नीति में फिर से उठाया गया है, तो सवाल उठता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 और शिक्षा अधिकार कानून में सतत और समग्र आकलन, इन दोनों के बावजूद हम अगर जमीनी स्तर पर आगे नहीं बढ़ पाए हैं तो ऐसा क्यों? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें यह देखना होगा कि इस नीति में शिक्षकों के चयन और उनके समुचित तैयारी के लिए किस तरह की व्यवस्था है, शिक्षकों के मनोबल और उत्साह को बढ़ाने के लिए क्या सोचा गया है। तो यहाँ पर मैं फिनलैंड देश की शिक्षा व्यवस्था की एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। वहां पर शिक्षक पैसे की गरिमा ठीक वैसे ही है जैसे कि किसी इंजीनियर और डॉक्टर की। वहां पर शिक्षक चयन के समय ही यह ध्यान रखा जाता है कि उत्कृष्ट क्षमता वाले शिक्षक ही पैसे में आए, और वे स्वायत्तता के साथ बच्चों की जरूरत के अनुसार बच्चों को सीखने का अवसर दें। मुझे लगता है कि अपने देश में हम लोग एक दुष्चक्र में फंस गए हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं है जो कि स्वतः ऐसे सुगमकर्ताओं को तैयार कर सके। सेवा काल के दौरान शिक्षकों को जिस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है वहां इन मुद्दों को छुआ तो जरूर जाता है, पर प्रशिक्षण एक तरफा हो जाता है। वहां भी शिक्षकों को ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया से गुजारा नहीं जाता है, वे स्वयं इसका अनुभव नहीं ले पाते हैं। तो फिर हम शिक्षकों से कैसे उम्मीद करें कि वे बच्चों को के साथ ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे? शिक्षक विचार कर पाए कि किन कारणों से बच्चों का सीखना कम हो रहा है, स्कूल के शैक्षिक माहौल में या शिक्षण प्रक्रिया में किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं, इसके लिए शिक्षक को स्वयं सबल और विचारशील होना होगा।
परंतु हमारी शिक्षा व्यवस्था ने शिक्षकों को वर्षों से निर्देशित और प्रशिक्षित करते करते इतना निर्भर बना दिया है कि वे स्वयं से आगे बढ़ने का जज्बा खो बैठे हैं। अतः शिक्षकों से जिस तरह की अपेक्षा की जा रही है उसके लिए शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों के स्थान को महत्व देना होगा, उनकी गरिमा को पुनर्स्थापित करना होगा, उनकी स्वायत्तता को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए तंत्र के अधिकारियों को शिक्षकों पर विश्वास करना और सीखने के मौके देना सीखना होगा। शिक्षा तंत्र में यह बदलाव कैसे आएगा इसके बारे में इस नीति में संभवतः कुछ विशेष नहीं कहा गया है। इनफैक्ट मैं कुछ वेबिनार अटेंड कर रहा था तो वहां पे बात निकल के आ रही थी कि शिक्षकों के अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए समय समय पर एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा आकलन किया जाएगा और शिक्षकों को बताया जाएगा कि उनके काम के आउटकम्स क्या रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात सही नहीं है। शिक्षकों की गरिमा सुनिश्चित करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि स्कूल में हर बच्चे की गरिमा और खुशी को सुनिश्चित करना। बच्चे को भी सीखने की आजादी देनी होगी, करने की आजादी देनी होगी। पूरी व्यवस्था को हमें इस तरह से संगठित करना होगा जिसमें कि बच्चे केंद्र में रहें, बच्चों की आवाज मुख्य हो, उसके बाद शिक्षकों की आवाज, अभिभावकों की आवाज और आखिरी में तंत्र की आवाज। हर कक्षा में बच्चों की आवाज को मुखर करने के लिए बच्चों को मात्र श्रोता बनाने की परिपाटी को बदलना होगा। परंतु इस शिक्षा नीति में इस दिशा में कुछ खास बात कही नहीं गई है, यह बात उतनी मजबूती से नहीं आई है। इनफैक्ट इस शिक्षा नीति में यह हो रहा है कि जो अब तक हो रहा था, अविश्वास और नियंत्रण पर आधारित व्यवस्था को बदलना, इस शिक्षा नीति में इसके बारे में कुछ विशेष नहीं कहा गया है। और यह जो अविश्वास और नियंत्रण की समस्या है, यह शिक्षक और बच्चे के बीच में है, शिक्षक और अधिकारी के बीच में है। इस व्यवस्था को बदलकर हमें विश्वास और सहभागिता के आधार पर बराबरी में एक दूसरे से सीखने का कल्चर बनाना होगा, बेहतर समाज बनाने के लिए और उत्कृष्ट कार्य करने का जज्बा पैदा करना होगा। तो इस बात को मैं हाईलाइट करना चाह रहा था मुख्य रूप से। और इसके अलावा एक दो बातें और हैं, जैसे कि इसमें एक मिशन की बात की जा रही है प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए। तो विचार तो अच्छा है, पर वहां पर एक बात डाली गई है कि बच्चे बच्चों के बीच में पीयर लर्निंग के सहारे या फिर समुदाय से वॉलंटियर्स को मोबिलाइज करके इस काम को बढ़ावा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि फिर से यहाँ एक विरोधाभास आ जा रहा है। हमें शिक्षकों को ही इस संदर्भ में पूरी जिम्मेदारी देनी चाहिए और शिक्षक ही निर्णय करें कि बच्चों के लिए क्या बेहतर है, और शिक्षक ही स्कूल के अंदर ऐसा माहौल बनाएं कि ये संभव हो पाए। दूसरी बात यह है कि इसमें कहीं पर यह लिखा हुआ है कि शिक्षा स्कूली शिक्षा प्राप्त करने की कई धाराएं होंगी, उसमें एक ओपन स्कूल की भी बात की गई है। मुझे लगता है कि कुछ बच्चों की विशेष जरूरत के नाम पर ओपन स्कूल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को एक वयस्क के साथ की जरूरत है, उसके साथ लगातार संवाद करने की जरूरत है, और जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चे हैं उनको तो और भी ज्यादा सपोर्ट और सहयोग की जरूरत है, और उनके लिए अगर हम ओपन स्कूल की धारा खोल लेते हैं तो वो बात सही नहीं है। दूसरी बात है कि इसमें स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात की गई है, और इस स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात अमरीश जी ने इस बात को चर्चा में रखा था। मैं इसको हल्का सा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये क्या चीज है। इसमें कहा जा रहा है कि हर एक 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में एक माध्यमिक स्कूल होगा जो केंद्र स्कूल होगा, और उसके आसपास के सभी आंगनवाड़ी स्कूल इस माध्यमिक स्कूल से जुड़े होंगे, और माध्यमिक स्कूल जो है उस अपने संकुल के सभी शैक्षिक कार्यों की लीडरशिप और जिम्मेदारी लेगा, उसकी योजना बनाएगा, उसके मुताबिक उसको संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, और एक अर्ध स्वायत्त इकाई के रूप में यह स्कूल कॉम्प्लेक्स काम करेगा। तो मुझे लगता है कि विचार के स्तर पर यह अच्छा है। और यहाँ पर एक और अवसर यह है कि उस संकुल के स्तर पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी होगी,
मैं तो इसको विचार के स्तर पर अच्छा ही मानता हूँ। वैसे अमरीश जी ने कुछ समस्याएं इंगित की हैं, जैसे कि रिसोर्स शेयरिंग की बात। तो मुझे लगता है कि अभी जो स्कूलों के हालात हैं, सभी स्कूलों को अतिरिक्त रिसोर्स की जरूरत है और शेयरिंग से तो कोई बात बनने वाली नहीं है। तो मैं अमरीश जी की चिंता से सहमत हूँ। और अगर ये स्कूल कॉम्प्लेक्स और स्कूल स्वतंत्र होकर योजना बना पाए और सरकार इसके लिए बाध्य हो कि उस योजना के मुताबिक उन्हें संसाधन उपलब्ध कराने को मजबूर हो, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ा हम सभी के लिए अवसर होगा। दूसरी बात, इसमें कहीं पर संक्षेप में लिखी गई है कि ये दक्षता आधारित शिक्षा की बात की जा रही है। तो जो उसको इसको मैंने समझने का प्रयास किया कि ये दक्षता आधारित सीखना शिक्षा क्या है, तो यह कुछ इस प्रकार से मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें दिल दिमाग और हाथ की बात हो रही है, कि शिक्षा जो सिर्फ दिमाग के स्तर पर ना हो पर हाथ और दिल तीनों के साथ एक समन्वय के साथ ये बढ़े, जिससे कि जो हम ज्ञान हासिल कर रहे हैं उसका हम उपयोग अपने जीवन में, जीवन की समस्याओं के हल करने में कर पाए। तो मुझे ये बात सैद्धांतिक रूप से अच्छी लग रही है कि शिक्षा जो है ऐसे बौद्धिक ना हो कि हमारे भावनाओं से जुड़ा हुआ हो, हमें हमारे नजरिए को ही प्रभावित करे, हमारे हमें वो काबिलियत दे जैसे कि हम उस ज्ञान का पूरा इस्तेमाल अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में या अपने समाज को अच्छा बनाने में कर सकें। तो मुझे ये बात सैद्धांतिक रूप से अच्छी लग रही है। और एक और जो बात अमरीश जी ने कही थी कि जो वोकेशनल एजुकेशन की बात हो रही है और यह नई तालीम से अलग है, तो अगर ऐसा है तो वास्तव में काफी चिंता की बात है। पर इसको अगर हम इस रूप में देखें कि शायद उन्होंने कुछ कारणों से नई तालीम को इस पॉलिसी में जगह नहीं दी है, पर शायद इसके लिए कोई जगह हो इस नीति में और इसके सहारे हम स्कूली शिक्षा में श्रम की महत्ता को, श्रम की गरिमा को स्थापित कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक हम बड़ी समस्या का हल कर पाएंगे जो हम सब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के साथ देखते हैं जो श्रम से भागना चाहते हैं और श्रम के को वाले काम को कमतर आंकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अवसर है। बाकी चिंता जो अमरीश जी ने कही है वो वाजिब है। तो हर एक किसी तरह के प्रयास में कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ नकारात्मक बातें होती हैं। अब हमारे लिए एक चुनौती है कि हम कैसे इसके अवसर को पकड़ें और इसकी नकारात्मकता को कम करें। इस पॉलिसी में कहीं लिखा गया है कि शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्य के बोझ को भी कम किया जाएगा, तो ये भी अच्छी बात है। और कुछ इस नीति के शुरुआत में ही ये बात लिखी गई है मूलभूत सिद्धांत के रूप में, जिसमें एक लाइन है जिसमें कहा गया है कि शिक्षा को बच्चों के अधिकार के रूप में देखा जाए। तो मुझे लगता है कि उनको इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए तो अधिकार है ही, मौलिक अधिकार है। फिर भी उसको उन्होंने हाईलाइट किया है, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। तो अब हम आखिरी में मुझे यह कहना है कि शिक्षा अधिकार के पैरोकार के रूप में हम लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कुछ मूलभूत अच्छी बातों की सूची बनाकर लगातार सरकार के साथ हर कदम पे सरकार के हर पहल की समीक्षा करते रहनी चाहिए और सरकार का ध्यान बार बार इस तरफ लाना चाहिए कि क्या वास्तव में हम उन अच्छी बातों की तरफ बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं, और हमें कुछ सुझाव भी देने चाहिए कि क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं और किस तरह से हम बढ़ पाएंगे। और जो कमियां हैं, जो चिंताएं हैं हमारी, उसको लेकर तो हमें काफी ज्यादा तत्पर रहना चाहिए और उसके नकारात्मक प्रभाव को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए और समय रहते उसे मुखरता से हाईलाइट करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इस नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में अपनी भूमिका तलाश सकते हैं। धन्यवाद। 3 मिनट बाकी हैं, बाकी सवालों के बारे में थोड़ा अपनी टिप्पणी दे दें अमरीश भाई।
सिर्फ दो बात मैं पर बोलना चाहता हूँ। दो बात वो जो राजेश जी ने अपने वक्तव्य में उठाए हैं उन पर मैं बात कुछ रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये जो स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात राजेश जी ने उठाया है, ये जो है स्कूल कॉम्प्लेक्स का एक कंसेप्ट चाइना में आया था, जब जहां पर कहा गया था कि जो कमजोर स्कूल है, मतलब कमजोर मतलब लर्निंग के लिहाज से, उनको क्लब कर दिया जाए उन स्कूलों से जिनका अच्छा मतलब रिजल्ट रहा है, तो उसके साथ वो जो बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंसेस होंगे, जो टीचर्स के आपस के एक्सपीरियंसेस शेयरिंग होगी और ये सब होगा, तो उससे वो कमजोर जो है स्कूल जहां पर अच्छे रिजल्ट नहीं है वो भी उसके साथ कोप अप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यह तो एक अगर इस दृष्टि से कोई बात की जा रही है तो ये समझ में आता है, लेकिन हमारे यहाँ आप समझ रहे हैं कि स्कूल हमारे पास BRC है, CRC है, हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिन स्ट्रक्चर्स को कभी मजबूत नहीं किया गया और अब एक नया ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश हो रही, तो इसके पीछे क्या मंशा है ये तो जब लागू होगा तब देखा जाएगा, लेकिन जो आशंकाएं हैं वो अपनी बात पहले आपके बीच में रखती थी। तीसरी बात जो वोकेशनल एजुकेशन की है वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 12 साल की उम्र से जो वोकेशनलाइजेशन देने की बात है वोकेशनल एजुकेशन, ये एक शंका के घेरे में खड़ा करती है। ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग शायद मुझे लगता है कि नहीं होगी, आगे देखा जाए। इसमें जो गांधी जी ने जो शुरू किया था नई तालीम, वो शायद बुनियादी स्कूलों की जो बात शुरू हुई थी शायद उस तरह का नहीं है ये तो, और इसको मैं CLPRA के अमेंडमेंट के साथ जब जोड़ता हूँ तब मुझे ज्यादा खतरनाक लगता है। तो इतनी ही बात है, बाकी तो बातें जो है राय साहब आप बोलते वक्त एड्रेस कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और मेरा व्यक्तिगत बहुत लाभ हुआ, मैंने काफी ध्यान से आप लोगों को सुना। जी जी मित्रों, एक सवाल और है कि भाई संजय भाई ने पूछा है कि महामारी के दौरान टीचर्स की ड्यूटी महामारी में बहुत सारे कामों में लगाई गई है, क्या ये RT कानून इसकी छूट देता है, कतई इसकी छूट नहीं देता, ये बिल्कुल गैर कानूनी है और इसके बारे में कई पिटीशन कोर्ट में लंबित है। तो मित्रों आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, खास करके जो है पहली बार जो है रेखा जी से रूबरू होने का मौका मिला, उनको बहुत शुक्रिया अपनी बात बहुत एकेडमिकली साउंडनेस रखने के लिए। मैं मित्रों ये अम्बरीश भाई, रेखा जी और भाई राजेश जी, इन सारे मित्रों और नंदकिशोर भाई के बाद कहने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा हुआ, केवल 4-5 बातें हैं जो मुझे गुस्सा दिलाती हैं, मैं वो आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मित्रों हम सब जानते हैं कि ये जो कागज आया है हमारे पास, इसमें एडवोकेसी है सच करने का अब मौका नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि इसमें हम कोई सलाह देंगे राय देंगे तो उसका मौका नहीं, वो मौका खत्म हो गया। अम्बरीश भाई अच्छी तरह जानते हैं कि कस्तूरी रंजन जी की रपट के बाद देश भर से जितनी क्रिटिसाइज और क्रिटिक और सुझाव भेजे गए वो उसमें से मुझे लगता है कि 5% भी इस नई पॉलिसी में शामिल नहीं किए गए, और ये नई पॉलिसी बिना किसी न तो राज्यसभा में न तो लोकसभा में कहीं भी इस पर डिस्कशन किए बिना ये पास की गई है। और जो लोग इस बात से खुश हो रहे हैं उनको मैं चेतावनी दे रहा हूं कि जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन 3 से 12 तक करने की बात है और हम ये मान के चल रहे हैं कि 6 से 14 तक का फंडामेंटल राइट तो है ही है हमारे पास, हम ये भूल जाते हैं कि फंडामेंटल जस्टिसिएबल राइट के बारे में कानून ये कहता है कि राज्य इसको जैसे चाहेगा वैसे लागू करेगा। उसके बाद ये पॉलिसी लागू होने के बाद केंद्र में अभी कानून बनेगा, इस पर जब केंद्र में कानून बनेगा तो वो कानून लॉ कमीशन के पास जाएगा, स्टैंडिंग कमिटी के पास जाएगा, उसके बाद इसका गजट नोटिफिकेशन होगा, गजट नोटिफिकेशन होने के बाद राज्यों को भेजा जाएगा कि
समवर्ती सूची का विषय है, राज्य इसका कानून बना ले। राज्य में वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, राज्य भी जो है इसका स्टेट रूल बनाएंगे और स्टेट के भी लॉ कमीशन में हो जाएगा, उसके बाद स्टेट का गजट नोटिफिकेशन होगा। इस सारी प्रक्रिया में कम से कम मेरे अपने तजुर्बे के हिसाब से 3 साल से कम नहीं लगेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक पूरा होना था, उसके 5 साल ऑलरेडी निकल चुके और 3-4 साल इसमें निकल जाएंगे अभी, और इसके बाद तब ये लागू होगा। और अगर ये लागू हो गया तो मेरी 4-5 चिंताएं हैं, मैं आपको साझा कर देना चाहता हूँ। एक तो इसमें कहा गया है कि ठीक है, अच्छी बात है, आप स्कूल कॉम्प्लेक्स चलाएंगे और बच्चों को 5+3+3+4 के इसमें कुरिकुलम में रखेंगे, अच्छी बात है। इसमें जो है बरसों की लड़ाई के बाद ये बात सरकार ने माना था कि नो डिटेंशन पॉलिसी होगी, यानी बच्चों का 8वीं के पहले इम्तिहान नहीं होगा। ये पॉलिसी दोबारा कह रही है कि नहीं, दर्जा 3 में 5 में 8 में इम्तिहान होंगे। एक तरफ ये पॉलिसी कह रही है कि स्ट्रेस फ्री एजुकेशन होगा, उस तरफ दूसरी तरफ जो है दर्जा 3-5 में इम्तिहान आप ले रहे हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि इसमें चॉइसेज होंगे बच्चों को। मुझे आप बता दीजिए कि जो है 12 साल के बच्चे को चॉइस अगर आप दे दीजिए, 12 साल की बच्ची से पूछिए तुम्हारी शादी करा दिया जाए, वो कहेगी हाँ करा दीजिए। उसको पता नहीं कि मैं जो राय दे रही हूँ इसका क्या मतलब। उससे आप पूछिएगा कि तुम गणित पढ़ना चाहोगे या कारपेंटर बनना चाहोगे, तो गणित से छुटकारा पाने के लिए कहेगा हम कारपेंटर बनना चाहते हैं। और वास्तव में यदि पॉलिसी को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चॉइस भी बच्चों का नहीं है, क्योंकि ये क्या क्या चॉइस बच्चे कर सकते हैं इसके लिए राज्य में एक कमेटी होगी, और राज्य जिन विषयों का चॉइस देगी उन्हीं विषयों में से बच्चे चॉइस कर पाएंगे। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि दर्जा 6 से बच्चों को हम ये चॉइस देंगे कि तुम क्या पढ़ना चाहते हो, कौन सा वोकेशन करना चाहते हो, और वो वोकेशन पढ़ के तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा जीवन का क्या उद्देश्य है, वो तुम्हारे इस पढ़ाई से साबित होगा। और इसी आधार पर बच्चे का और बच्चे के अध्यापक का, जो कॉम्प्लेक्स का अध्यापक होगा उसका भी असेसमेंट इसी आधार पर होगा और बच्चे के अर्जी आधार पर होगा। मित्रों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि जेकस जेलार, हम सब लोगों ने जो एजुकेशन में काम करते हैं सुना होगा, हम सब लोगों ने नाम जसपाल जी का नाम सुना होगा और जेकस जेलार का भी नाम सुना होगा, इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन जो यूनेस्को का था, उन्होंने कहा था कि एजुकेशन लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू लिव टूगेदर, यही एजुकेशन का उद्देश्य होना चाहिए। कस्तूरी रंजन जी की रपट ने जो है उसी को एडॉप्ट किया था, लेकिन इस पॉलिसी ने उसको एकदम उलट के कह दिया कि नहीं, हमारा एजुकेशन 21st century के लिए बच्चे को स्किल देना है, तो ये बच्चे को सिर्फ एक चीप सस्ता मजदूर बनाने वाली पॉलिसी है। अगली जो बात मैं कहना चाहता हूं, दर्जा 9 और 10 से बच्चे के पास मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन होंगे। इसका मतलब क्या है? मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन का मतलब कि दर्जा 10 के बाद बच्चा जब चाहे पढ़ाई छोड़ करके और कालीन बुनना सीख सकता है, उसके बाद चाहे वो कारपेंटरी सीख सकता है, लोहारगिरी सीख सकता है, और वो चीज सीख सकता है जिसकी आस पास में कोई दुकान हो जहां वो इंटर्नशिप सीख सकता हो। अगर वो कहे कि हम जो है कोई कंप्यूटर चिप बनाना सीखना चाहते हैं और आसपास में उसकी कोई दुकान नहीं है तो वो नहीं सीख सकते। अब इसके बाद जो 2-3 बातें और हैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पॉलिसी में कहा गया है कि हायर एजुकेशन में, पहली जो कस्तूरी रंगन जी की जो रपट थी उसमें कहा कि जो है हायर एजुकेशन में एक सेंटर में जो है नेशनल आयोग होगा
और राज्य में भी होगा। इस पॉलिसी ने क्या किया कि राज्य के आयोगों को खत्म करके सारा अधिकार अपने पास रख लिया, यानी शिक्षा जो कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की भूमिका है, तो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी है कि राज्य के अधिकार को खत्म करके ये सारे अधिकार अपने पास रख लिया। तीसरी बात कि इसमें जितनी बॉडी उन्होंने बनाया है, जनरल एजुकेशन काउंसिल, ग्रांट कमेटी और एक्रेडिटेशन कमेटी, ये सारे इंडिपेंडेंट बॉडी है साथियों, इस बात को समझिए। इसमें सारे प्राइवेट फर्में होंगी, प्राइवेट कंपनियां होंगी और प्राइवेट जो शिक्षा में पैसा लगाने वाले होंगे वो लोग होंगे, इसमें आप नहीं होंगे, कोई एनजीओ इसमें नहीं होगा। तो इसमें उस जैसे चाहेंगे वैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज को चलाएंगे। अगली बात जो मैं उन्होंने एक बात कहना चाहता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है, उन्होंने हमारे देश के जो आईआईटी हैं, आईआईएम हैं या हायर एजुकेशन के जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इसमें किया है। क्या कहा है उन्होंने, कहा कि हमारे जितने आईआईटी आईआईएम और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं इन सबको मल्टी डिसिप्लिनरी बनना पड़ेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी बनने का मतलब कि जो लड़का एरोनॉटिक्स पढ़ रहा है एमटेक में, दो साल एमटेक में एरोनॉटिक पढ़ लिया, तीसरे साल में अगर वो म्यूजिक पढ़ना चाहे तो आईआईटी को पढ़ाना पड़ेगा, और चौथे साल में यदि भारत का इतिहास पढ़ना चाहे तो आईआईटी को पढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसे हालत में तो हमारे आईआईटी का जो स्पेशलाइजेशन है वो खत्म हो जाएगा, न वो इतिहास पढ़ा पाएगा न तो एरोनॉटिक्स पढ़ा पाएगा, और ये बच्चा जो दो साल एरोनॉटिक्स पढ़ेगा और तीसरे साल इतिहास पढ़ेगा, ये पढ़ के बाहर निकलेगा तो इसको नौकरी कौन देगा, ये मेरे समझ में नहीं आता। तो ये बहुत, और आईआईटी की जो गुणवत्ता है, जो स्पेशलाइजेशन है वो खत्म हो जाएगा। और अगली बात जो मैं आपको कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि इसमें जो नई पॉलिसी आई है इसमें ग्रीवांस रिड्रेसल का कहीं नाम ही नहीं। अगर आपको कोई शिक्षा नहीं मिल रही है और कोई स्कूल विद्यालय आपके साथ बदमाशी कर रहा है या फीस ज्यादा ले रहा है उसको लेके आप कहां जाएंगे, इसके लिए कोई प्राविधान ही नहीं है। इसमें एनसीपीसीआर एससीपीसीआर का कहीं जिक्र ही नहीं। इसके पहले की पॉलिसी में कहा गया था कि साहब प्राइवेट स्कूलों को अभी पब्लिक स्कूल नहीं बोला जाएगा, ये पॉलिसी ने वो प्राविधान हटा दिया है। पहले के पॉलिसी में जो है इन बॉडीज का जो रोल था उस रोल को कंप्लीटली खत्म कर दिया। और दूसरी बात यह कि जो है इसमें कहा गया है कि स्कूल कम्प्लेक्सेज जो होंगे उस कम्प्लेक्सेज में टीचर का अपॉइंटमेंट होगा। ये बहुत बड़ा खतरनाक है। यहाँ शिक्षक साथी नहीं है आज के वेबिनार में, लेकिन हमारे सारे शिक्षक साथियों ने इस पर बहुत विरोध जताया है कि टीचर का कैडर जो है स्टेट कैडर होता है, यानी उसका नौकरी स्टेट लेवल की होती है। अब ये कैंपस के लिए चुनाव होगा तो इसका मतलब कैंपस में अपॉइंट होगा और कैंपस में ही उसका अप्रेजल होगा, उसको तरक्की मिलेगी कि नहीं, प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, ये कैंपस के असेसमेंट से तय होगा कि बच्चा बढ़ई गिरी सीखा कि नहीं सीखा। और रोट लर्निंग जिसको खत्म करने की बात कस्तूरी रंजन साहब ने कहा था वो इसमें रोट लर्निंग है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि बच्चे का तीन और पांच में जो है इम्तहान लेंगे, तो इम्तहान अपने आप में एक रोट लर्निंग। आगे उन्होंने कहा कि साहब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी जो हायर एजुकेशन में जाने के पहले बच्चे का परीक्षा लेगी। अरे तुम जो है इतनी परीक्षाएं तीन में पांच में आठ में ले रहे हो, नवीं दसवीं में ले रहे हो, ग्यारहवीं बारहवीं में ले रहे हो, ये परीक्षाएं लेने के बाद फिर एनटीए में उसको फिर परीक्षा देनी पड़ेगी, इसका मतलब कि उसको कोचिंग क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये जो पॉलिसी है वो हर हालत में वो सरकार के अपने जो जितने अभी तक बॉडीज हैं उनको साइडलाइन करके और सभी प्राइवेट बॉडीज को जो है इसमें प्रमोट करने, सब जगह इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कहा गया है और बाकी जगह पर कहा गया है कि साहब इसमें
फिलंथ्रॉफिक होंगे, सभी जितने भी बड़े हाउसेज हैं वो अपने जो है सीएसआर की एक कंपनी बनाते हैं, एक एनजीओ बनाते हैं, उसको फिलंथ्रॉफिक कहते हैं, उनको प्रमोट करने की बात चाहिए। समय खत्म हो गया। आखिरी बात जो आपको कहना चाहता हूं कि इस साल के बजट में जो मैं बार बार कहता हूं, निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है और अब हम पैसे मंगाएंगे ईसीबी से, यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से और एफडीआई से। मित्रों, इस बात का ध्यान रखें कि एफडीआई में भारत में कोई पैसा लगाना इसलिए नहीं चाहता कि एजुकेशन में प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो इसके लिए, इस कानून को बदलने के लिए और इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने की व्यवस्था इस पॉलिसी में की गई है कि जो ग्रांट बॉडी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, उसको आप जो है छेड़ नहीं सकते, और वो फॉर प्रॉफिट भी यदि पैसा ले आएगी, इन्वेस्ट करेगी, तो वो उनका अधिकार होगा। तो ये एक बहुत खतरनाक बात है। और मित्रों, मैं आपसे आखिर में बात कहना चाहता हूं कि अभी हाउस चलेगा और विपक्ष के जो एमपी हैं उनसे हम सब लोगों को संपर्क करना चाहिए कि ये एक बहुत ही गैर कानूनी और गैर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी है, इसका विरोध होना चाहिए और इसका कानून बनने के पहले हाउस में डिबेट होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सब लोगों ने सुना और बहुत अच्छी तरह से जो है बहस हुई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई संजीव जी को और अमरीश भाई को, रेखा जी को, नंद किशोर भाई को, विनोद जी को, खालिद भाई चले गए शायद, उन सबको और राजेश जी को और अपने सभी साथियों को। बहुत अच्छी बात हुई और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।